वार करता हूँ मैं, धरती धस जाती है कारी के नाम से, जिस जगह पैर अपना धरता हूँ। स्थान पर बैठी नजर आएंगी और राज्य माता के दाहिने हाथ की तरफ उनकी रियाया के रखवाले, प्रजा की देखभाल करने वाले महामंत्री भैरव सिंह। महामंत्री भैरव सिंह अपने यथा उचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे। भैया वही परिचय दे रहे हैं, खेल का नाम ही बता रहे हैं, आप शांति बनाए। राज्य माता के दाहिने हाथ की तरफ उनकी रियाया के रखवाले, प्रजा की देखभाल करने वाले महामंत्री भैरव सिंह यथाउचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे। और प्रिय दोस्तों, राज्य माता के बाएं हाथ की तरफ उनकी सेना के अफसर सेनानायक अमर सिंह, सेनानायक अमर सिंह यथाउचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे। प्रिय दोस्तों, इस नागौर राज्य की ताज और तख्त की सलामती के लिए दरबार में उपस्थित कंचनिया मुबारकबाद पेश कर रही हैं। इसी जगह से आप लोगों के बीच ये भक्तराज थिएटर संगीत पार्टी का शानदार खेल आप लोगों के समक्ष शुरू होने जा रहा। खेल का नाम उल्फत की आग, उल्फत की आग, प्यार की जीत, उर्फ डाकू काली सिंह। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए रहे नासर।
कहे से ना सुनता क्या प्यारा है ये दरबार, क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा सब महारानी चंपला की जय हो, महारानी चंपला जय हो, महारानी चंपला जय हो। महामंत्री भरोसे जाओ हमारे शाही खजाने से इन कंजनियों को दो दो असरफियां और एक शाही तो देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत कर दो। जैसी आज्ञा बिलाल, जाओ इन कचहरियों को शाही खजाने से दो दो असरफियां और एक एक शाल देकर ले रुखसत कर दिया जाए। कचहरियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, राजमाता को आदाब अर्ज करते हुए अपना अपना इनाम लीजिए, अपने अपने वतन को रुखसत हो जाइए। हमारी प्रजा का क्या समाचार है? राजमाता, प्रजा के बारे में ना पूछे, जब से महाराज का देहांत हुआ ये आपकी प्रजा हर वक्त सहमी सहमी नजर आती है, किसी के चेहरे पर खुशहाली नहीं नजर आ रही। राजा मंत्री जी, मैं काफी दिनों से ही सुनती आ रही हूँ कि हमारी प्रजा बहुत दुखी रहती है, लेकिन मैं आपसे जानकारी करना चाहती हूँ ये हमारी प्रजा किस तौर से खुशहाल रह सकती है। मेरे पति का है जब से निधन हो गया, सारी रैयत में फैला ये कोहराम है। मेरे मंत्री जी कोई बताओ ये प्रजा कैसे रहे?
राजमाता, इसके लिए आप बिल्कुल न चिंतित हो। प्रजा को खुश करना हमारा काम है राजमाता, प्रजा के बारे में बिल्कुल न चिंतित। मंत्री जी, मुझे आप पे पूर्ण विश्वास है कि आप करते हुए हमारी प्रजा कभी दुखी नहीं रह सकती। आसन ग्रहण कीजिए। सेनापति अमर सिंह, तुम्हारी सेना क्या क्या समाचार है? राजमाता, हमारी सेना नागौर के बॉर्डर पे तैनात है। दुश्मनों के जो शक्त मोर्चे लगे थे, आपके जवानों ने उन्हें परास्त कर सीमा सरहद पर आपके नाम का शाही तिरंगा लहरा दिया। हमारे वीरवर सेनापति अमर सिंह, मैं तुम पे नाज करती हूँ कि तुम्हारे रहते हुए कोई भी दुश्मन हमारे इस मुल्क नागौर पे आक्रमण नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी दुश्मन को कभी कमजोर व कम हिम्मत वर मत समझना, सेना को हमेशा सतर्क रखना। आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहे, जब तक आपके स्वराज्य में आपका ये वफादार सेनानायक अमर सिंह मौजूद है, तब तक कोई भी दुश्मन राज्य पर आक्रमण नहीं कर सकता। अगर किसी ने बॉर्डर पार करने की कोशिश किया तो हमारे नौजवान बॉर्डर पे उसका नाम निशान खत्म कर दे। क्या बात सेनापति जी, आज भरे दरबार मैं तुम्हें कुछ जिम्मेदारियां सौंपना चाहती हूँ। कैसी जिम्मेदारी? आप भरे दरबार, उस जिम्मेदारी को हमारे समक्ष जाहिर कीजिए। सुनिए सेनापति जी, सेना तुम मेरी बात को सुनो लगा कर। सेनापति मेरी बात को सुनो लगा कर गो, और चहुत से दुश्मन से घिरी मेरी सितम ना गो। सेनापति जी, आज तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि हमारा ये राजा नागौर दुश्मनों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसलिए मैं अपने इस मुल्क की जिम्मेदारी और अपनी बेटी रम्हा की जिम्मेदारी तुम पे सौंपती हूँ। ये दोनों जिम्मेदारियाँ तुम्हें अपनी जान से बढ़ के निभाना होगा। आपकी आज्ञा शिरोधारी है राजमाता। आपने मुल्क नागौर की रक्षा और साथ साथ राजकुमारी जी की रक्षा की जिम्मेदारी आपने मेरे ऊपर दे दिया है। दोनों जिम्मेदारियों को निभाने के लिए दरबार में मैं ईश्वर की सौगंध ले रहा हूँ, और खाद्य में हूँ मैं आपका एक फरमावर। अगर हमारे इस नागौर की तरफ किसी ने आंख उठाने की कोशिश की तो उसका नामोनिशान यशरानक अमर सिंह देगा। अगर हाँ, रंभा की तरफ किसी ने नजर उठाया तो उस कंबख्त की दोनों आंखें फोड़कर रख दूंगा। इसलिए भरे दरबार मैं अपने कृपाण अपने हाथों में लेकर सौगंध दे रहा हूं। जब तक हमारी जिंदगी है, जब तक हमारी भुजाओं में ताकत है, दोनों जिम्मेदारियों को चांद से ज्यादा बढ़कर हम निभाएंगे। सेनापति जी,
आज तुम्हारी ये बात सुनकर मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया है। अच्छा अब जाओ अपनी सेना की देखभाल करो। आपके आदेशानुसार इसी वक्त मैं सीमा सरहद पर जा रहा हूँ। अपने नौजवानों को मैं सतर्क कर दूंगा ताकि कोई भी दुश्मन नागौर की तरफ नजर न उठा सके। सरहद माता इस वक्त हमें इजाजत चाहिए। इजाजत सेनापति जी जाइए। मंत्री जी आज मेरी बेटी रंभा को राजमहल से राज दरबार बुलाया जाए। कैसे आज्ञा मुनिलाल जाओ भर इसी वक्त राजमहल से राजकुमारी रंभा को लाया जाए। मातेश्वरी के चरणों में रंभा बेटी का प्रणाम स्वीकार हो। जो मेरी पुत्री बेटी तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन माँ बोले आज मुझे भरे दरबार में बुलवाया गया है, इसका कारण क्या है माँ? बेटी आज तुझे इसलिए रा दरबार बुलाई हूँ कि हमारे दरबार के सभी कर्मचारी तुझे अच्छे तरह से देख लें, पहचान ले बेटी। माँ यानी आप दरबार के कर्मचारियों से मेरा परिचय करवाना चाहते हैं? तो ठीक है माँ, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके बगल में जो बैठे हुए हैं ये राज दरबार के कौन हैं? बेटी ये हमारे राज दरबार के महामंत्री जी हैं, इनका नाम भैरव सिंह है। तुम्हारे चाचा लगते हैं बेटी? ये मेरे चाचा जी हैं। ठीक है माँ। अरे चाचा जी नमस्ते। नमस्ते बिटिया नमस्ते। और माँ वो जो बगल में खड़े हुए हैं? और बेटी जो मंत्री जी के बगल में खड़ा है हमारा बहुत ही वफादार नौकर, हम सब इसे प्यार से भोंदू कह के पुकारते हैं, वैसे इसका नाम चुन्नी लाल है। अरे भोंदू भैया नमस्ते। नमस्ते। और बेटी ये जो तुम्हारे बगल में खड़ा है ये हमारा बहुत ही वफादार नौकर, हम सब इसे प्यार से मुन्नी लाल कह के पुकारते हैं। ठीक है माँ। भैया मुन्नी लाल नमस्ते। नमस्ते। और माँ बोलो बेटी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोल ना मेरी गुड़िया क्या कहना चाहती है? माँ मेरी इच्छा है कि मैं जाकर के चमन की सैर कर आऊँ माँ, यदि आपकी इजाजत हो। तो मेरी बेटी चमन की सैर करना चाहती है? हाँ माँ। ठीक है बेटी मैं इजाजत देती हूँ, लेकिन इतना याद रहे शाम होने के पहले राजमहल वापस आ जाना और अकेली मत जाना, अपने साथ दो चार सहेली को ले लेना। ठीक है माँ। मंत्री जी आज का राज दरबार यहीं पे समाप्त किया जाता है। मुनिलाल राज दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।